हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल हरीश। दोस्तों YT स्टूडियो पर जब भी आप जाते हैं एक अपडेट और YouTube ने दिखा दिया है। मैं आपको दिखा देता हूं कि वो अपडेट क्या है और उस अपडेट में आपको क्या देखने को मिलेगा। नीचे जब भी आप जाएंगे देख लीजिए, पहले तो ये हमारे एक डम्मी YouTube चैनल है और यहाँ पर नीचे आप जैसे जाएंगे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन या एक पॉपअप लगा लीजिए, ये पॉपअप आ चुका है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फिक्स्ड इश्यू विद अपलोड एंड सेविंग थंबनेल। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं एक यहां पर आपको पूरा विस्तार से YouTube ने बताया है ये क्या है। पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बताता हूं कि ये उन्होंने क्या बता रखा है। YouTube ने बताया है जब भी हम YouTube पर या फिर YT स्टूडियो पर कोई वीडियो का थंबनेल चेंज करते हैं, थंबनेल चेंज हमारा नहीं हो पाता है, ठीक है, वो थंबनेल हमारा चेंज नहीं हो पाता है और वो YouTube ने पकड़ लिया है। बहुत सारे लोग भी मुझे डेली कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, थंबनेल चेंज नहीं हो पा रहा है, मेरा थंबनेल बदला नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं था लेकिन उन लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो लोग बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे तो मेरी भी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा तो हो रहा है ठीक। तो YouTube ने उन्हें बताया है इस अपडेट के द्वारा कि अगर आपका थंबनेल चेंज नहीं हो पा रहा है तो वो YouTube की नज़र में आ चुका है और वो फिक्स कर लिया गया है और बहुत ही जल्दी उसको ठीक कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट था जो कि बहुत कमाल का है, जो लोगों को थंबनेल लगाने में प्रॉब्लम आ रही थी तो इस अपडेट के द्वारा बहुत ही जल्दी वो ठीक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अब आपकी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। आई होप ये अपडेट आपको बहुत ही कमाल का लगा होगा। अगर अपडेट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना क्योंकि यहां पर आपको और भी बहुत सारे अपडेट से रिलेटेड और YouTube की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।